आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी साहिल जोशी अब स्टूडियो में जुड़ने वाले हैं। विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर, और साहिल जोशी हमारे सहयोगी अब हमारे साथ यहीं पर प्रकट होंगे। ये देखिए प्रकट हो गए हैं, साहिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल जोशी हमारे वैसे तो मुंबई में है लेकिन वो हमारे साथ यहाँ पर, चूंकि हमने गेटवे ऑफ इंडिया भी बना ही लिया है पीछे, तो वो यहाँ पर अवतरित हो गए हमारे साथ। कुछ ही देर में उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन ये बड़ी खबर आपको हम इस वक्त बता रहे हैं कि अगर डेप्यूटी सीएम पद के लिए तैयार हो गए एकनाथ शिंदे तो इसके मायने बड़े हैं। महाराष्ट्र में 6 विधायक पर एक मंत्री का फॉर्मूला बन रहा है। बीजेपी के कोटे से करीब 20 से 22 मंत्री फिर हो सकते हैं। शिंदे गुट से 10 से 12, वहीं अजित पवार के गुट से 8 से 9 मंत्री हो सकते हैं। महाराष्ट्र में 43 मंत्री बनाए जा सकते हैं जिसके अंदर ये फॉर्मूला तैयार करना होगा। तो बात कर लेते हैं एकनाथ शिंदे की, जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। पूरा फॉर्मूला अब आपको हम जरा दिखा देना चाह रहे हैं क्योंकि इस फॉर्मूले में देखिए लगभग 43 मंत्री अगर बन रहे हैं तो शिंदे की क्या मांग है। शहरी विकास, राज्य सड़क विकास निगम, ये तमाम मंत्रालय की मांग है वो हम आपको दिखा रहे हैं। एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनने को भी तैयार बताए जा रहे हैं। इसके अलावा वो शहरी विकास और राज्य सड़क विकास निगम विभाग अपने पास रखना चाहते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो सूत्रों की माने शिंदे राजस्व चाहते हैं, ग्रामीण विभाग भी चाहते हैं, स्वास्थ्य विभाग भी चाहते हैं, ये तमाम मंत्रालय, कृषि और सामाजिक न्याय विभाग की भी मांग वो कर रहे हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि शिंदे केंद्र में भी अपने मंत्री चाहते हैं जिसमें एक केंद्र मंत्री और एक केंद्रीय राज्य मंत्री की मांग कर रहे हैं। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं, राजस्व हो, ग्रामीण विकास हो, स्वास्थ्य, कृषि, सामाजिक न्याय, सूत्रों के हवाले से खबर है। अभी इंतजार करना होगा। कुल मंत्रालय 10 से 12 इनके, 8 से 10 एनसीपी के हो सकते हैं और 20 से 22 बीजेपी के। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री भी बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि केंद्र में अपने मंत्री उनके हों और केंद्रीय मंत्री भी हों और एक केंद्रीय राज्य मंत्री का भी पद उनकी पार्टी को मिले। विनोद अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमाम नंबर्स हम दिखा रहे हैं, ये बहुत बड़ी खबर है। अगर क्योंकि ऐसे 5-6 नेता रहे हैं जो सीएम रहने के बाद भी दूसरा छोटा पद लिए हैं महाराष्ट्र में। ये देखिए, ये केंद्रीय मंत्री भी और एक केंद्रीय राज्य मंत्री, वो फायदे का सौदा स्ट्राइक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जितने विधायक इनके आए हैं कंपेयर टू बीजेपी। देखिए निश्चित रूप से एकनाथ शिंदे के सामने और कोई चारा है नहीं। बीजेपी की 132 सीटें हैं। बीजेपी अगर अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी और एकनाथ शिंदे अगर बहुत ज्यादा अड़ जाए तो उनको बाहर करके भी बना सकती है, सरकार चला सकती है। तो ये एकनाथ शिंदे जानते हैं ये सच्चाई, इसलिए उन्होंने बहुत बेहतर तरीका ये अपनाया। भाई देवेंद्र फडणवीस 2.5 साल उनके ही कैबिनेट में डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, तो जो देवेंद्र फडणवीस जो 5 साल मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र के, वो जब डिप्टी सीएम बन गए तो शिंदे को क्या दिक्कत है। तो शिंदे अगर डिप्टी सीएम पद स्वीकार करके और कुछ अच्छे पोर्टफोलियो जिनको मलाईदार मंत्रालय कहा जाता है वो ले लेते हैं तो मुझे लगता है उनके लिए बेहतर सौदा होगा। साहिल के पास चलते हैं। साहिल अब हमारे साथ यहीं पर जुड़े। साहिल देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि मुख्यमंत्री रहकर फिर उप मुख्यमंत्री बनना, ये देवेंद्र फडणवीस ने भी स्वीकारा जब उनकी पार्टी की तरफ से आदेश आया, और शिंदे अगर इसके लिए राजी हो रहे हैं तो ये बड़ी खबर है। क्या माने यथास्थिति रहेगी, यही तीनों रहेंगे लेकिन दो लोगों का पद इंटरचेंज होगा, फडणवीस साहब सीएम और शिंदे साहब डेप्यूटी। और ये जो फॉर्मूला हम बता रहे हैं इसको आप किस तरह से देखते हैं, फायदे का सौदा किसके लिए? देखिए इसमें फायदे नुकसान से ज्यादा मुझे लगता है कि अब पॉलिटिकल सर्वाइवल का सौदा है, क्योंकि अभी कोई चारा है नहीं इस वक्त पे। जो है उसी में तो आपको काम चलाना पड़ेगा। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन जाएंगे, बीजेपी से मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो उसके साथ में सरकार में शामिल होना ये एकनाथ शिंदे के लिए भी और अजीत पवार के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ सरकार में शामिल होने से पार्टी भी चलानी है ना, तो पार्टी चलाने के लिए आपको सरकार में शामिल होना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है आज की स्थिति में, और इसके चलते ये सारी चीज की जा रही है, ये हम लोग यहां पर देख सकते हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा उनके लिए भी। जो उन्होंने पार्टी की कमान संभाली है, जब वो मुख्यमंत्री बने वहां से उन्होंने पार्टी की कमान संभाली है, तो इसके वजह से सत्ता में रहेंगे तभी पार्टी ठीक से चला पाएंगे, और इसीलिए वो सत्ता में भी शामिल होंगे, ये बात हमें देखनी होगी। अंजना, साहिल बीजेपी सरप्राइज एलिमेंट के लिए जानी जाती है, देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लगेगी या कुछ मामला और भी हो सकता है? मुझे लगता नहीं है कि मामला कुछ और होगा इस वक्त, क्यों ना हो, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लगेगी ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि
कहीं ना कहीं पार्टी के कैडर को उनको संदेश देना है कि देखिए हमने किसी पर अन्याय नहीं किया। और इसलिए मैं हमेशा यह कहता हूं कि जब लोकसभा के हार के बाद अमित शाह यहां पर महाराष्ट्र में आए थे और उन्होंने रीजन वाइज मीटिंग्स ली थी कार्यकर्ताओं की, तब संदेश उनका यही था कि देखिए हम किसी पर अन्याय नहीं करना चाहते। 2019 में देवेंद्र फडणवीस के हाथ से मुख्यमंत्री पद चला गया, 2022 में उनके हाथ से चला गया, वो तो सरकार में भी शामिल नहीं हो रहे थे, आदेश दिया गया कि भाई आपको सरकार में शामिल होना है। तो जो ये सारे आदेश का पालन कर चुका है उसे देखिए हम लोग ने जब हमारे पास मौका आया तब हमने उसे सरकार में शामिल करवाया, हमने उसे मुख्यमंत्री बनाया। कम से कम इस वक्त ये मैंडेट के बाद तो कम से कम ये मैसेज देना होगा, और ये मैसेज सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं तो पूरे देश के लिए उनको देना है, उनके देश के पूरे कैडर के लिए देना है। और इसीलिए फिलहाल देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, बात की बात बाद में देखी जाएगी। 5 साल तो सरकार को कोई खतरा नहीं है, ना कोई चुनाव को सामना करना है उनको। अब ऐसे ऐसे चलते बाकी मराठा है नहीं है ये सब चीज क्या से ज्यादा पार्टी कैडर की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाएगा ऐसा मुझे लगता है। सत्ता भी गजब चीज है साहिल, मतलब कब बाजी पलट जाए और उसको किस तरह से जनता के सामने आप ले जाते हैं, स्वीकार करते हैं, अपनी पार्टी में भी ताकत कार्यकर्ताओं का जोश भी बनाए रखते, तो बहुत बड़ा चैलेंज। आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे चर्चा हम जारी रखेंगे। विनोद जी एक छोटा सा सवाल जल्दी से आपसे, मतलब ये जो रोल रिवर्सल देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में होगा ये अपने आप में भी, हालांकि महाराष्ट्र में नया नहीं, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने पहले बड़ा पद लिया फिर बाद में समझौता किया, लेकिन ये मैंडेट ऐसा था जो इन्फोर्स कर रहा था। स्ट्राइक रेट भी अगर आप देखिए, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने सीटें ज्यादा ली, 89% स्ट्राइक रेट बीजेपी का, इनका 69। देखिए अगर नैना ये मान लीजिए 150-155 सीटें होती वहां, ये कौन से कम है? देखिए ये अजित पवार है, ये क्या चाहते हैं? डेप्यूटी सीएम वित्त मंत्रालय, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, तो इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। साहिल आपके पास भी आ रही हो, अजित पवार क्या क्या चाहते हैं? तो वो भी एक डेप्यूटी सीएम पहले भी थे, परमानेंट डेप्यूटी सीएम और फाइनेंस मिनिस्ट्री 2004 से अजित पवार जिस सरकार में भी रहे हैं डिप्टी सीएम है, पर मुहर इन्होंने लगवा ली अपने इस डेप्यूटी और वित्त के चाहत पर, इन्होंने इस मैंडेट से तो मुहर लगवा ही ली। सुशील मोदी के रिकॉर्ड ही तोड़ेंगे डिप्टी सीएम वाला और फाइनेंस मिनिस्ट्री वाला। तो ये अजित, और देखिए हम लोग इतने दिन से चर्चा कर रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। मैंने पहले दिन कहा था कि एक व्यक्ति के बारे में पक्का है कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे, वो अजित पवार है। मैं कह रहा था अगर मान लीजिए स्थिति ऐसी होती कि अकाली की सीटें 120-125 के आसपास होती और 155-160 के आसपास मायूती होती, उस वक्त शिंदे साहब बार्गेनिंग पोजीशन में ज्यादा बेहतर होते क्योंकि तब उनके पास एक विकल्प खुला हो सकता था 2019 दोहराने का। लेकिन आज उनके पास कोई विकल्प नहीं है, जो अभी साहिल कह रहे थे पॉलिटिकल सर्वाइवल ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनको सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए, उनको अपने वर्कर्स को खुश रखना है, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना है, और धीरे धीरे अगर उनको उद्धव ठाकरे की का जो बचा खुचा जाना धारा उसको समेटना है तो उनको सत्ता का साथ चाहिए ही चाहिए। और ये हम आपको दिखा रहे हैं जो जो मंत्रालय वो चाहिए, 8 से 10 मंत्रालय चाहते हैं, कृषि, खाद्य, नागरिक आपूर्ति, महिला एवं बाल कल्याण, इसी के साथ वो चिकित्सा, शिक्षा, खेल, ग्रामीण विकास, सहकारिता विभाग, एनसीपी के खाते में ये तमाम मंत्रालय वो चाहते हैं। जल्दी से एक बार आपके पास आते हुए साहिल, देखिए कुल मिलाकर अगर हम तस्वीर देखें तो ये बात सच है कि अजित पवार का तो अपना एक परमानेंट पोजीशन बन गया है, लेकिन साहिल ये रोल रिवर्सल पता नहीं जनता कितना पचा पाएगी, उनके कार्यकर्ता कितना पचा पाएंगे, या ये नेचुरल हो जाएगा जैसे पहले हुआ था? नहीं, जनता का तो पता नहीं लेकिन कार्यकर्ताओं को तो पता है कि ये होने वाला था एक तरीके से। मुझे जितनी मैंने लोगों से बात की है कि पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग इतनी तो कार्यकर्ताओं में है कि अगर 133 आने के बाद बीजेपी दावा कैसे नहीं करेगी, और बीजेपी ये पहले भी कर चुकी है, 2014 देखा हुआ है लोगों ने। जैसे ही 2014 के लोकसभा के नतीजे आए उसके बाद पता चला कि भाई बीजेपी नंबर वन की पार्टी बनी है, तो तब यूनाइटेड शिवसेना के साथ उन्होंने इस तरीके की बार्गेनिंग की कि आखिरकार उनका गठबंधन ही टूट गया, क्योंकि वो बोले कि भाई अब तक जो चल रहा था वो नहीं चलेगा, हमें ज्यादा सीटें चाहिए इस बार असेंबली में, और उसके चलते वो गठबंधन टूट गया। तो अगर वो उधर हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? यहाँ तो दोनों पार्टियों ने, मतलब देखिए ना, भी मान लिया, शिवसेना ने भी मान लिया था। साहिल एक और इंटरेस्टिंग इसमें आर्ग्यूमेंट है कि अगर सीएम शिवसेना से ही बनाना था, हालांकि बीच में मजबूरी में बीजेपी को बनाना पड़ा, और सीएम शिवसेना से ही बनाए रखना है ज्यादा सीट होने के बावजूद, तो फिर उद्धव ठाकरे क्या बुरे थे? क्या बुरे थे? वो तो पहले फिर वो तो 2019 से ही वो तो ये वाला जो उनका उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक फेस सेविंग भी बीजेपी के लिए है कि आप एक नीतीश कुमार यहां महाराष्ट्र में भी नहीं बना रहे। नहीं देखिए क्या है ना, 2019 का मामला ही पूरा अलग तरीके से हुआ।
बीजेपी को लगा कि भाई उद्धव ठाकरे आखिर में मान जाएंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं, वरना उनकी कोशिश तो थी कि उन्हीं का मुख्यमंत्री बने। अब 2022 में उनके पास कोई चॉइस नहीं था, आज जैसे एकनाथ शिंदे के पास चॉइस नहीं है ना, वैसे 2022 में बीजेपी के पास चॉइस नहीं था। उन्हें पता था कि एकनाथ शिंदे तभी उनके साथ में आएंगे जब उन्हें मुख्यमंत्री पद का वादा किया जाएगा। तो देखिए, पॉलिटिकल कंपल्शन से ये सारे फैसले लिए गए। ऐसा नहीं है कि भाई कोई खुशी से किसी को झोली में डालता है, राजनीति में कभी ऐसा होता नहीं है, कोई अपने खुशी से किसी को कुछ देता नहीं है, तभी दिया जाता है जब पॉलिटिकल कंपल्शन हो, तभी दिया जाता है, तब सब बातें मान ली जाती है, जब नहीं होता है तब तो आपको मानना पड़ता है। तो देखिए, कांग्रेस भी यही करती है कि जब उनको उनको लगता है कि वो ताकतवर बन गए हैं तब तो वो रीजनल पार्टीज की सुनती नहीं है, जब उनको लगता है कि उनको जरूरत है तब आप जो बोलो वो मानने के लिए वो तैयार होती है। देखिए 19 में कांग्रेस ने नहीं माना शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा तब भी ठीक है, अब तक तो शिवसेना से लड़ाई कर रहे थे। एग्जैक्टली वही चीज बीजेपी ने की 2022 में, बात मान ली कि भाई ठीक है आपको मुख्यमंत्री पद दे देंगे लेकिन आ जाइए, सरकार तो गिरानी पड़ेगी महाविकास आघाड़ी की। तो यही बात रही है, कम से कम इस बार की स्थिति अलग है, इस बार बिहार नहीं बनने देंगे क्योंकि उनको पता है। एक और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको कहना चाहूंगा, क्योंकि 23 के बाद ये सारी बातें करने का मौका नहीं मिल पाया, आज की स्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 2014, 19 और 24 के विधानसभा चुनाव में एक जैसा ही रहा है, 27% के ऊपर नहीं गया है अभी भी, लेकिन सीटें उनकी बढ़ गई है, तो इलेक्शन मैनेजमेंट उनका बेहतर रहा है। तो आज की स्थिति में भी उन्हें पता है कि अलायंस पार्टनर्स उन्हें लगेंगे, लेकिन वो किस सूरत में रखना है इसका फैसला अब बीजेपी के हाथ में है, क्योंकि दोनों अलायंस पार्टनर्स ने मान लिया है कि हाईकमांड मतलब अमित शाह और नरेंद्र मोदी, जो 2019 तक उद्धव ठाकरे मानने को तैयार नहीं थे, यह बहुत बड़ा शिफ्ट हमको इस बार दिखाई दे रहा है। अंजना, बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच आइए आपको जल्दी से सुना देते हैं दिल्ली की बैठक से पहले महायुति के तीनों नेता अपनी अपनी तरफ से क्या कह रहे हैं, क्योंकि आज फैसला होना है सीएम कौन, डेप्यूटी सीएम कौन कौन, सुनिए क्या कह रहे तीनों। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है, आप निर्णय ले लो, जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी को आपका निर्णय अंतिम रहता है, हम भी महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है, मोदी जी है, अमित भाई है, तो उनको कहा कि हम, मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया, सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है, आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी, निर्णय की अमल हो जाएगी। और मैं आज आप सबको कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है, पूरी तरह हमारा पाटिंबा उनको है। देखिए, हमारी महायुति में कभी भी कोई एक दूसरे के प्रति अलग मत ये रहा नहीं है, हमने हमेशा साथ में बैठकर निर्णय किए हैं, और चुनाव से पहले भी हमने कहा था कि चुनाव के बाद साथ में बैठकर निर्णय करेंगे। कुछ लोगों के मन में जो शंकाएं थी उनको दूर करने का काम सम्माननीय एकनाथ शिंदे जी ने किया है, जल्द ही हम हमारे नेताओं के साथ बैठेंगे और उचित निर्णय करेंगे। रात को हम एकनाथ जी शिंदे हो, मैं हूँ या देवेंद्र फडणवीस हो या बाकी हमारे साथी, सब मिलके हम मीटिंग में बैठने वाले हैं और 9 बजे के बाद शायद वो मीटिंग शुरू हो जाएगी और उसमें तय होगा कि क्या करना क्या नहीं करना, आगे की लाइन ऑफ एक्शन क्या रहेगी, इसके बारे में सभी बातें हो जाएंगी। और अब जल्दी से बीजेपी की बात करते हैं, क्योंकि बीजेपी की लाइन लेंथ क्या चल रही है। देखिए, वहां पर साफ है एकनाथ शिंदे ने जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि बीजेपी के उम्मीदवार जो भी सीएम बनते हैं वो हमें मंजूर है, तो ऐसे में सीएम पद तो तय है ही उनके लिए, लेकिन अन्य क्या कुछ मांग रहे हैं। माना जा रहा है 20 से 22 मंत्रालय, जो 6 विधायक पर एक मंत्री का फॉर्मूला है, उसमें गृह मंत्रालय और मुख्यमंत्री दोनों देवेंद्र फडणवीस रहेंगे। इसी के साथ सूत्रों की माने तो बीजेपी अपने पास ये 2 पद तो रखेगी ही, लेकिन इसके साथ 20 से 22 मंत्रालय रखना चाहती है। आवास और शहरी विकास, वित्त, सिंचाई, अब ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे डबलिंग हो रही है, उधर भी चाहिए नागरिक, मतलब जो शहरी विकास है, वित्त मंत्रालय उधर भी चाहिए। ऊर्जा, पीडब्ल्यूडी, पर्यावरण, पर्यटन, संसदीय मामले, कौशल विकास,
सामान्य प्रशासन शामिल। बीजेपी की चाहत, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिसको कॉलिंग द शॉट्स है वो सब कुछ चूंकि दिल्ली से हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के फैसले को स्वीकारने का खुला ऐलान एकनाथ शिंदे ने कर दिया है, तो मामला है ऐसा दिखता हुआ कि फैसला यहीं से होगा।